नमस्कार दोस्तों, आज फिर से हम आए हैं बिग बॉस 12 की लेटेस्ट अपडेट के साथ और बहुत सारे ट्विस्ट के साथ। कैप्टेंसी पाने के लिए घर में चली तलवारें, टास्क में हुआ घमासान। बिग बॉस का घर इन दिनों किसी जंग के मैदान से कम नहीं लग रहा है, जहां हर पल लोग एक दूसरे से झगड़ने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन इस बार तो बिग बॉस ने टास्क ही ऐसा कर दिया है जिसमें पूरे घर के लोग किसी योद्धा की तरह नजर आ रहे हैं। इस बार होने वाला कैप्टेंसी टास्क तलवारों से जुड़ा हुआ है, जिसमें चार कंटेस्टेंट मैदान में उतरे। गुरुवार के एपिसोड में सुबह तुम ही हो बंदूक गाने के साथ होती है और इस बात पर रोमिल सोमी की टांग खींचते हैं और कहते हैं कि ये गाना बिग बॉस ने उनके और दीपक के लिए बजाया है। जिसके बाद जब बातें शुरू होती हैं तो रोमिल जसलीन को झगड़े के लिए उकसाती हुई नजर आती हैं। इस बात पर जसलीन रोमिल में भी बहस हो जाती है। बिग बॉस घर वालों से चार सदस्यों को कैप्टेंसी कंटेस्टेंट के रूप में चुनने के लिए कहते हैं। घर वालों को चार सदस्यों को लग्जरी बजट टास्क में परफॉर्म करने के आधार पर चुनना होता है, इसलिए लंबे विवाद के बाद घर वाले दीपिका, रोमिल, दीपक और सुरभि को कैप्टेंसी टास्क के लिए मैदान में उतारते हैं। इस पर मेघा और रोहित काफी ज्यादा हर्ट हो जाते हैं कि उनका किसी ने भी नाम नहीं लिया। इसके बाद दीपिका टास्क के नियम पढ़कर उस सबको सुनाती है। इस टास्क में गार्डन एरिया में दीपिका, रोमिल, सुरभि और दीपक के नाम ही चार तलवारें रखी गई है। ये अलग अलग रॉक्स में फिट है। कंटेस्टेंट को इनके लिए चार गार्ड्स चुनने थे। ये गार्ड तलवारों की रक्षा करेंगे और उन्हें वहाँ ज्यादा से ज्यादा देर तक रुकने वाला जीतता है। नियम इतना सख्त है कि प्रतियोगी को वॉशरूम जाने की भी इजाजत बिल्कुल नहीं है। अगर गार्ड जरा भी हटा तो किसी ने तलवार हटा दी तो वो गार्ड टास्क से बाहर हो जाएगा। टास्क शुरू हो जाता है और करणवीर, रोहित, जसलीन और मेगा टास्क शुरू कर देते हैं। दूसरी ओर रोमिल और दीपक अपनी स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हुए नजर आते हैं। वे मेगा को परेशान करके तलवार निकालने का प्लान बनाते हैं। सुरभि भी दीपक की प्लानिंग में शामिल हो जाती है। इस टास्क के दौरान दीपक ने जसलीन से काफी ज्यादा बदतमीजी की और वहीं सुरभि और सुशांत के बीच बहुत ही ज्यादा जबरदस्त झगड़ा हो जाता है। लेकिन बढ़ते पंगों के चक्कर में बिग बॉस ने इस टास्क को रद्द कर दिया है और इसकी जो कैप्टेंसी होती है वो किसी को भी नहीं मिली है। हो सकता है कि सुरभि, जैसे कि अभी घर की कैप्टन थी, दोबारा से इस हफ्ते वही कैप्टन बने। लेकिन इतना तय है कि बिग बॉस 12 का जो गेम है वो हर दिन रोमांचक होता जा रहा है और लोगों के दिल में बहुत सारे सस्पेंस क्रिएट करता जा रहा है। तो देखते हैं बिग बॉस 12 की रेस में इस हफ्ते कौन घर से बेघर होता है और कौन टॉप 5 में या फिर आगे की जो जर्नी है उसके लिए आगे बढ़ता है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इसके साथ साथ टुडेज की ऐप को जरूर डाउनलोड करें और आप हमारे सारे शोज और प्रोग्राम्स यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं।